तो हे गाइस, मैं हूँ के जेड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल के जेड प्रोडक्शन सरफेस फ्रेंड। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स, यदि आपको फ्रेंड पीएम किसान का किस्त आपको मिलता है फ्रेंड, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोगों का केवाईसी ना होने के कारण जो है कि फ्रेंड उनका किस्त रुक जाता है या फिर वो केवाईसी नहीं कराए रहते हैं फ्रेंड। क्योंकि गांव में बहुत लोग ऐसे लोग भी होते हैं फ्रेंड जो जो अपना केवाईसी किसी भी तरीके से कंप्लीट नहीं कराए रहते हैं, ठीक है। और जब 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 किस्त आती है तो फिर जब वो आधार बेस्ड अपना बैलेंस इंक्वायरी चेक कराते हैं तो उनका जो किस्त है उनके अकाउंट पे नहीं पहुंचे रहता है, ठीक है। और उनको मतलब इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन भी नहीं होता है कि केवाईसी करवाना है क्या है चीज़ों का, ठीक है। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि कैसे आप पता करेंगे फ्रेंड कि आपका जो है कि आधार कार्ड का जो पीएम किसान के साथ केवाईसी हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। कैसे पता करेंगे आप, ठीक है, कि आपका ई केवाईसी हुआ है या नहीं हुआ है पीएम किसान की वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए फ्रेंड आपको क्या करना है, सिंपली तरीके से यहाँ पर सर्च करेंगे और यहाँ पर सर्च करना है आपको पीएम किसान, ठीक है। पीएम किसान सर्च कर लेना है। पीएम किसान जैसे सर्च करेंगे फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं पीएम किसान की फर्स्ट पॉइंट आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं pmkisan.government.in पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, एक गवर्नमेंट की ऑफिशियल योजना है। तो फ्रेंड यहाँ पर इसके ऊपर सिंपली तरीके से क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पीएम किसान सम्मान निधि योजना, और देख सकते हैं फ्रेंड इसका जो 13 इंस्टॉलमेंट डेट है वो आपको 27 फरवरी 2023 को जो है कि यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही नीचे आएंगे ऊपर नीचे आएंगे यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड आपको दिखाई देगा फार्मर कॉर्नर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इसके लिए फ्रेंड क्या है कि जिस भी किसान का आप केवाईसी चेक करने वाले हैं कि उसका ई केवाईसी हुआ है या नहीं हुआ है तो उसका आधार नंबर होना बहुत जरूरी है फ्रेंड, तो आप उससे आधार नंबर ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली तरीके से ई केवाईसी ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे आप। जैसे ई केवाईसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी, यदि आपका फ्रेंड यहाँ पर केवाईसी हो गया होगा तो आपको सिंपली यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे। यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद फ्रेंड जैसे सर्च करेंगे यदि आपका ई केवाईसी हो गया है तो फ्रेंड यहाँ पर ऑलरेडी डन दिखाएगा, अदरवाइज ई केवाईसी नहीं होगा तो फ्रेंड यहाँ पर जो आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उसमें एक ओटीपी जाएगा, जब आप उस ओटीपी को यहाँ वेरीफाइड कर दोगे तो आपका ई केवाईसी भी डन हो जाएगा। तो इस केस में देखिए फ्रेंड यहाँ पर जो है कि यहाँ पर सिंपली तरीके से यहाँ पर मुझे चेक करना है, तो आप जो भी यहाँ पर कस्टमर आप ला रहे हैं या फिर कोई भी कस्टमर आपके पास आया है तो उसका फ्रेंड आप यहाँ पर सिंपली तरीके से जो आधार नंबर है उसको आप यहाँ पर डालें। फ्रेंड मैं यहाँ पर आधार नंबर इंटर कर देता हूँ, आप अपने केस में आधार नंबर यहाँ इंटर कर दीजिएगा। सिंपली तरीके से मैं यहाँ पर आधार नंबर इंटर करूंगा, और जब यहाँ पर आधार नंबर इंटर हो जाएगा तो फ्रेंड आपको सिंपली तरीके से यहाँ पर क्या करना है, सर्च वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ना इसके ऊपर आपको क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड देख सकते हैं आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आ रहा होगा ई केवाईसी इज ऑलरेडी डन, ठीक है। तो देखिए ऑलरेडी डन आ चुका है फ्रेंड क्योंकि इनका जो है केवाईसी हो चुका है, यदि केवाईसी नहीं हुआ होता तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो आधार के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी चला जाता, और ओटीपी जाने के बाद जब आप उस ओटीपी को यहाँ पर डाल के वैलिडेट करते हैं तो इनका केवाईसी डन हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए इनका केवाईसी ऑलरेडी डन है तो आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड आप किसी भी कस्टमर का ई केवाईसी चेक कर सकते हैं कि उसका केवाईसी डन हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फ्रेंड ई केवाईसी के चलते ही जो होता है फंड यहाँ पर रुक जाता है और वो इधर उधर परेशान होते रहते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड एक छोटी सी वीडियो थी, यदि फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड, क्योंकि हम इसी तरीके के हमारे चैनल पर पीएम किसान से रिगार्डिंग जो है कि वीडियो ऐड करते रहते हैं। तो फिलहाल मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।